हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज के क्लास में हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में जानेंगे। किरचॉफ्स लॉ के जरिए हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का में करंट का फ्लो करवा सक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, करंट को इजी वे में निकालते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इससे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, जिससे जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता था पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता था उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाते थे। लेकिन किरचॉफ्स लॉ की सहायता से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टर्स का भी, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का भी क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो आज हम किरचॉफ्स लॉ को समझेंगे, उसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली किरचॉफ ने दो लॉ दिया है, एक किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, और दूसरा लॉ है किरचॉफ्स लूप लॉ जिसको हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहते हैं, और दूसरी बात किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ये दोनों लॉ को हम लोग समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये लॉ किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है इसको समझेंगे और इससे रिलेटेड सवाल को करेंगे। तो हम लोग चलते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। किरचॉफ्स लॉ, इसका यूज किया जाता है फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। कुछ मेथड्स हैं, उस मेथड्स को फॉलो करेंगे और उसके जरिए हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किरचॉफ्स ने बेसिकली दो लॉ दिया है, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लॉ को समझते हैं। फर्स्ट लॉ जिसको हम किरचॉफ्स किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में हम KCL भी लिखते हैं, या फिर कह सकते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। इस लॉ में एट एनी जंक्शन, जंक्शन उस पॉइंट को कहेंगे दैट पॉइंट एट विच, दैट पॉइंट एट विच थ्री और मोर देन थ्री कंडक्टर्स या फिर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एट एनी जंक्शन, सम ऑफ एंटरिंग करंट या फिर कह सकते हैं कमिंग करंट, कमिंग करंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट या फिर गोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन। ये किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ है, यानी कि सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू
सम ऑफ लिविंग करंट, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से करंट आया आई वन, इधर से करंट आई टू आया, इधर से करंट आई थ्री आया, और यहाँ से करंट आई फोर जा रहा है, यहाँ से करंट आई फाइव जा रहा है इस पॉइंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे जो करंट आ रहा है, कमिंग करंट है, इंटरिंग करंट है, इस पॉइंट के टुवर्ड्स तरफ जो करंट है वो है इंटरिंग करंट। आप देख रहे हैं इंटरिंग करंट, या फिर कह सकते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट करंट, टुवर्ड्स द पॉइंट करंट। ये कौन कौन सा है? आई वन, आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं, अब आप कह सकते हैं सम ऑफ लिविंग करंट। तो सम ऑफ लिविंग करंट क्या हो जाएगा? सम ऑफ लिविंग करंट या फिर अवे फ्रॉम पॉइंट करंट, ये क्या हो जाएगा? आई फोर प्लस आई फाइव। तो किरचॉप्स लॉ क्या कहता है? किरचॉप्स लॉ कहता है कि सम ऑफ इंटरिंग करंट आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट आई वन प्लस आई, ये कहता है किरचॉप्स लॉ, ठीक है। तो किरचॉप्स का फर्स्ट लॉ कहना है कि नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट, ठीक। इसको नोट ऑन कर लीजिए, दैट मीन्स चार्ज सफला है, नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट। सो चार्ज इज मूविंग या फिर सफला है एट एनी पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉप्स का जो फर्स्ट लॉ है वह किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। आपने इसमें जाना कि सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एग्जाम्पल हमारा है, सपोज कीजिए यहां से आई वन करंट, आई टू करंट, आई थ्री करंट, आई फोर करंट।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि I1 प्लस I2 ये इंटरिंग करंट है इज इक्वल टू I3 प्लस I4 ये लिविंग करंट है। इसको हम यहाँ से भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इफ़ वी सपोज डायरेक्शन ऑफ एंट्रिंग करंट इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ लिविंग करंट इज नेगेटिव। ठीक है, आप ऐसा जनरली माना जाता है डायरेक्शन ऑफ जो होता है इंटरिंग करंट वो पॉजिटिव, आप उल्टा भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपने सपोज कीजिए डायरेक्शन जो माना और आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन माना है वो गलत नहीं है, बस आपका क्या है उसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराना नहीं, अगर माइनस आ गया दैट मीन्स डायरेक्शन जो आपने सपोज किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। आपको फाइनली आंसर में क्या करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाना, कोई दिक्कत। तो यानी कि यहाँ पर आप मैथमेटिकली इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि समेशन डेल्टा समेशन आई इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे एट एनी जंक्शन, ये मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं। ये था किरचॉप्स का फर्स्ट लॉ, मिटा दें। चलिए एक सवाल इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सवाल है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे 1 एम्पियर का करंट 4 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला, यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट यहाँ पे पूछा फाइंड आई। देखिए यहाँ से 1 एम्पियर का करंट गया है, इस पॉइंट पे कितना करंट 5 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा तो ये 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अब 5 एम्पियर का करंट इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पर 3 एम्पियर इधर गया तीसरा 2 एम्पियर का आएगा। अब 2 एम्पियर का करंट इस पॉइंट पे आया तो 4 एम्पियर इधर चला गया, इधर की तरफ कितना आएगा। अब आपको क्या करना, आप इसको आई मान लीजिए, यानी कि इस दोनों का सम 2 एम्पियर होना चाहिए। 4 एम्पियर प्लस आई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 एम्पियर होना चाहिए, यानी कि आई इक्वल टू 2 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर यानी कि माइनस 2 एम्पियर, यानी कि हमने जो डायरेक्शन माना है वो डायरेक्शन नहीं है, ये करंट इधर की तरफ ही है 2 एम्पियर का। ठीक है, अब देखिए ये करंट और ये करंट इंटरिंग करंट होगा, दो दूनी 4 एम्पियर का इंटरिंग करंट हो गया और 4 एम्पियर का लिविंग करंट हो गया, कोई दिक्कत। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिटा दें इसको। चलिए अब हम लोग चलते हैं किरचॉप्स के सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ जिसको हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं, लूप लॉ कहते हैं किरचॉप्स वोल्टेज लॉ कहते हैं, इसको हम के भी एल से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम के भी एल से लिखते हैं। इसमें क्या कहना है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ potential differences
along the closed loop in any circuit is zero. मतलब पोटेंशियल डिफरेंसेस जो होगा समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, किस में? फॉर क्लोज लूप के लिए, फॉर क्लोज्ड लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए समेशन डेल्टा वी क्या होगा? जीरो होगा. सपोज कीजिए हमारा एक क्लोज लूप है, ये ए बी सी डी ये हमारा क्लोज लूप है. तो यहाँ पर जो होगा समेशन डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ए से चले क्लोज लूप का मतलब ए बी सी डी क्लोज लूप अगर लिखने की बात करें तो हम लोग लिखेंगे क्लोज लूप ए बी सी डी ए, ए या फिर लिख सकते हैं ए डी सी बी ए, ए बी सी डी ए. तो ये क्लोज लूप में क्या होगा? समेशन डेल्टा भी जो जीरो होगा, मतलब जहाँ से चले वहाँ पर फिर आए वहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वह जीरो होगा. कोई दिक्कत? चलिए ये चीज़ें हैं. ये तो था किरचॉप्स का दोनों लॉ. इस दोनों लॉस को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम इससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको अब हम लोगों को जानना है और इसके बारे में हम लोग को समझना है. अब ये जो लॉ है, ये सेकेंड लॉ किरचॉप्स का, यह जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. इसको भी लिख लीजिए, दिस लॉ इज, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आपको पता है कि आपने चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वर्क डन के इक्वल होता है, तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, मतलब एनर्जी कंजर्व होगा. तो यह लॉ जो है बेसिकली कंजर्वेशन एनर्जी पर वेस्ट है. चलिए ये तो था इस लॉ के बारे में, इस लॉ क्या लॉ है ये. अब ये बात है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. इसके जरिए हम, जैसे कि आपको पहले बताया हमने कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम लोगों को कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा और उसको फॉलो करके हम उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे. तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके जो कि आप लोगों को भी पता है, उस सारे कॉन्सेप्ट को ऐड करके हम लगाएंगे और जिसके जरिए हम सवाल को सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ और उसके जरिए हम इसको सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो लिखिए हाउ टू अप्लाई किरचॉप्स लॉ. How to apply Kirchhoff's law. Heading दीजिए How to apply Kirchhoff's law. How to apply Kirchhoff's law. सबसे पहले हम लोगों ने KCL पढ़ा, किरचॉप्स करंट लॉ. तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन सेल या फिर मोर देन वन सेल
मोर देन वन सेल। यह अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस मोर देन वन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट करंट इन एनी क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ KCL। KCL क्या है? किरचॉप्स करंट लॉ। इस लॉ की सहायता से हम क्या करेंगे? करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। सपोज कीजिए कि ये हमारा क्लोज लूप है, आराम से इसको समझना है। ये हमारा क्लोज लूप। पहला काम हमारा क्या है? इससे करंट को निकालना। पहला स्टेप है करंट, हमने आई निकाला। इस आई, इस करंट क्लोज लूप का नाम दे देते हैं ABCDA। हमने इसको निकाला। एक बात आपको हमेशा याद रखना है इसमें कि जिस सेल से आपने जितना करंट निकाला है उसको उतना करंट प्रोवाइड कर देना, उतना करंट उसको मिलनी चाहिए। हमने आई करंट निकाला है, यहाँ से आई करंट गया, घूम करके फिर से आई करंट आया, तो ये सारे रेसिस्टर्स को हमने करंट प्रोवाइड किया। ये तो सिंपल सर्किट था, यहाँ पर आई करंट आया, यहाँ से आई करंट गया और फिर से यहाँ पर इसको आई करंट मिल गया। अब दूसरा सर्किट हम देखते हैं, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं इजी वे में। ये सर्किट यहां पर हम, आपको दिख रहा होगा कि दो सेल, हम किसी से भी करंट निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हमने करंट यहां से I निकाला। ये करंट इस सर्किट के थ्रू I आया और यहां से होते हुए I, यहां से आते हुए हमने I करंट यहां पे लगा। इस तरह से हमने करंट को निकाला और पूरे सर्किट में भेज दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह से हम सर्किट के अंदर करंट को, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सेल से करंट को निकालेंगे और हम उस करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए आगे और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेते हैं और उसमें करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं। चलिए हटा दें इसको। चलिए इस लॉ को समझने के लिए छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इस लॉ को इजी वे में समझ सकते हैं। चलिए एक
कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेते हैं और उसमें करंट को फ्लो करवाते हैं, उसके बाद हम समझेंगे आगे की कहानी को। चलिए यहाँ पे चलते हैं। चलिए इस सर्किट में हम देखिए, सबसे पहला स्टेप जो है हमने लिया है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन सेल या मोर देन वन सेल। हम सबसे पहले आपको एक सेल से करंट को निकाल करके दिखाते हैं। यहां से हमने आई करंट निकाला, यहां पर करंट आई आया, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर जंक्शन है। क्यों जंक्शन है, आपको मैंने बताया कि जंक्शन के लिए कम से कम तीन रूट्स होने चाहिए, एक दो तीन। यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सपोज कीजिए इधर की तरफ आई वन करंट आया और इधर की तरफ आई टू करंट आया, ठीक है, इधर की तरफ आई वन करंट आया, इधर की तरफ आई टू। ये आई टू करंट इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आई वन करंट आया। यहां पे देखिए, ये आई टू करंट यहां से यहां तक आया, ये आई वन करंट यहां से यहां तक आया। ये सर्किट में जो करंट आया, आई टू आया, यहां पर आई टू आया, यहां से ये आई वन करंट आया और ये आई वन आई टू यहां पर फिर से दोनों मिल जाएंगे। ये दोनों आई वन आई टू मिलकर के फिर से क्या आई करंट आया और ये का आई करंट यहां आ गया। ध्यान से देखिए, हमने इस सेल से आई करंट निकाला था, इसको आई करंट भेज दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां से आपको हमने करंट निकाल करके दिखा, कोई दिक्कत यहां पर। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका मन है कि सर आपने बोला कि हम मोर देन वन सेल से भी करंट निकाल सकते हैं, तो चलिए इस सबको मिटा देते हैं। हम इसी सर्किट में आपको दिखाते हैं कि हम दोनों सेल से करंट को निकालते हैं, और आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करंट को निकालते हैं। आपको जैसे इजी लगे उस तरह से आपको सॉल्व, हम आपको कुछ सवाल करके दिखाएंगे उसमें। सपोज कीजिए हमने यहाँ से आई वन करंट निकाला और यहाँ से आई टू करंट निकाला, यहाँ से हमने आई वन करंट निकाला और यहाँ से हमने आई टू करंट निकाला, निकाल दिया। ये अब हमने I1 करंट निकाला है, ये I1 करंट यहां पर आ गया, ठीक है। अब यहां से ये I2 करंट यहां पर आ, अब यहां पे देखिए यहां पर जो करंट आ जाएगा I1 प्लस I2 आ जाएगा, आएगा ना। अब ये करंट यहां पर फिर से इधर की तरफ आ जाएगा I1 करंट और इधर की तरफ चला जाएगा I2 करंट। ध्यान से देखिए, ये करंट I1 इधर की तरफ आ गया जो कि हमने निकाला था और इधर की तरफ I2 चला गया। आपको देखना यहां पर, देखिए यहां पर करंट, यहां पर I1 आया, यहां पर ये दोनों करंट मिलकर किधर चला जाएगा और फिर से ये दोनों लीव आउट कर जाएंगे, ये अपनी तरफ ये अपनी तरफ, यहां से करंट को आप सॉल्व कर सकते। इस तरह से आपका सबसे पहले, सपोज जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट है, यहां पर कोई करंट आया आई, यहाँ से इधर की तरफ जाएगा I1, इधर की तरफ I2, इधर की तरफ ब्रांचेज अगर है तो I3। एक और बात आकर समझ लीजिए, ये I करंट है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। कोई कहेगा सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I करंट यहाँ पर गया, इधर की तरफ हमने I1 भेजा, इधर की तरफ हम लिख सकते हैं I माइनस I1। हाँ, इस तरह से भी आप लिख सकते, ठीक है। अगर आपने इधर की तरफ I2 भेजा तो I इक्वल टू I1 माइनस I2,
कोई दिक्कत। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है कि करंट को सेल से ड्रॉ करना है और उसको विद द हेल्प ऑफ केसीएल लॉ करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान रहे कि जिस सेल से हमने जितना करंट निकाला है उस सेल को उतना करंट प्रोवाइड कर देना, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कहीं पे जहाँ पे जंक्शन है वहाँ पर ध्यान से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर आएगा। ये तो पहला स्टेप था, अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। उसके बाद हम लोग लूप को चुनेंगे। चलिए आगे चलें, दूसरा स्टेप आप लोग लिखिएगा। इस हम सर्किट को रहने देते हैं यहाँ पे और इसी में हम लोग लूप को चुन करके दिखाएंगे। चलिए दूसरा स्टेप हम जो लेंगे वह करेंगे सेलेक्टिंग लूप। लूप को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इस लूप में अगर हम देखें तो यहाँ से ए बी इस नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये हमने लूप दे दिया। सेलेक्टिंग लूप में आप देखिए, हम देखिए दो तरह से इस लूप में जा सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं या क्लॉकवाइज जा सकते हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते ये हैं इसी लूप में जाने का और एक रास्ते ये भी तो हैं। मेरे पास में दो रास्ते हैं लूप में जाने का, है ना, एक ये रास्ते हैं। मैं आपको कह दूं एक बात, आप समझ लीजिए कि किसी भी सर्किट को किसी भी सवाल को सॉल्व करने के दरमियान आपको एक से अधिक क्लोज लूप भी मिल सकते हैं, एक दो तीन लूप्स मिल सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। और प्रत्येक लूप में आप या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज आप अपने मन से जा सकते हैं। मैंने आपको बोला आपके पास में दो रास्ते हैं, या तो आप क्लॉकवाइज जाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए। किसी भी लूप में आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जा सकते हैं। ध्यान रहे कि आप जिस लूप में एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, सपोज कीजिए इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज गए, इसमें आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, या फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज गए इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, क्योंकि दो लूप्स हैं यहाँ पे, है ना। हो सकता है दोनों में क्लॉकवाइज जाए, एक में एंटी क्लॉकवाइज एक में क्लॉकवाइज, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपका ये मैटर करता है कि जिस लूप में आप गए, आप एंटी क्लॉकवाइज में गए तो उस लूप में आप उस तरह से सॉल्व करें सवाल को, और जिस लूप में एंटी क्लॉकवाइज घुस तो उसको उस तरह से ट्रीट करें सवाल को। तो सेलेक्टिंग लूप में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन सेलेक्ट वन और मोर देन वन लूप, जिसमें आपको सेल्स रेसिस्टर्स आर इन्वॉल्व्ड होंगे। यू कैन सेलेक्ट वन और मोर देन वन लूप ऑन योर चॉइस एंड मूव एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑन योर चॉइस।
ऑन योर चॉइस। ओके, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, अपने चॉइस से मूव कीजिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। सबसे पहले आप लूप अगर एक बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप प्रत्येक लूप को आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक लूप में आप अलग अलग तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है कोई बाइंडेशन है कि इसमें क्लॉकवाइज गए तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाना, या इसमें एंटी क्लॉकवाइज गए तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ये बाइंडेशन नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लूप को सिलेक्ट करना है, लूप में अपनी सुविधा के अनुसार अपने चॉइस के अनुसार एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। ये दो स्टेप आपको समझ में आ गए। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए मिटा दें इसको। ये दोनों स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसमें भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। क्लॉकवाइज जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटी क्लॉकवाइज जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम इस दोनों को मिटा देते हैं, आगे चलते हैं अगले जो अगला जो स्टेप है उसको समझने के लिए। अगला स्टेप है पोटेंशियल ड्रॉप या गेन का। आपको ये बातें हैं, एक बात आप समझ लीजिए, करंट का जो फ्लो होता है आपको पता है, करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर, आपको पता है ये चीज, ये बेसिक्स। पोटेंशियल का ड्रॉप या गेन, जब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल का क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, डेल्टा भी नेगेटिव होगा। मैंने क्या बोला, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाइएगा तो डेल्टा भी नेगेटिव। आपको पता है कि करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा होता है, तो इसका मतलब है डेल्टा भी इज नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ करंट में डेल्टा भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए दूसरी बात, अगर आप लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाइएगा तो डेल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लोअर पोटेंशियल से हायर डेल्टा भी पॉजिटिव, यानी कि पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा। दैट मीन्स कह सकते हैं डेल्टा भी इज पॉजिटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस बात को समझ गए। अब आगे चलते हैं, मिटा दें इसको।
अब हम आपको जो सर्किट में मिलेंगे वो दो चीजें मिलेंगे आपको, सेल्स मिलेगा और रेसिस्टर मिलेगा। आपको सर्किट में दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा सेल और दूसरा मिलेगा रेसिस्टर। सबसे पहले सेल की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेल है, करंट का फ्लो ये है और हम जा रहे हैं किधर, ये मान लिया जाए पाथ हमारा ये है। पाथ हमारा क्या है, ये हमारा हायर पोटेंशियल है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल। हम जा किधर रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और करंट का फ्लो पाथ हमारा है वो, तो यहां पर डेल्टा भी क्या होगा, हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो डेल्टा भी यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। अब अगर हम इसी में हम इस पाथ पे जाते, दैट मीन्स ये हमारा हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आते, तो डेल्टा भी क्या होता, पॉजिटिव होता, ठीक है। यहां पर क्या होगा, माइनस सी, यहां पर क्या होगा, प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत। ये तो सेल की बात हो गई। सेल में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ डेल्टा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेल में लोअर पोटेंशियल से, सॉरी, हमने क्या गया, पाथ इधर की तरफ है, हायर से लोअर डेल्टा भी नेगेटिव, लोअर से हायर डेल्टा भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं। आप यहां पे देखें, अब रेसिस्टर की तरफ चलते हैं और रेसिस्टर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए रेसिस्टर को समझते हैं। अब आप बताइए, ये रेसिस्टर्स हैं, पर करंट का फ्लो ये है। करंट जो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करता है। अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, पाथ हमारा ये है, करंट के डायरेक्शन में पाथ है, हायर पोटेंशियल से मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, डेल्टा भी नेगेटिव होगा, यानी कि डेल्टा भी इज इक्वल टू, इसका रेसिस्टर अगर आर है तो माइनस आई आर लिखिए, ठीक है। अगर बात यही हो, ये आर है, करंट का डायरेक्शन ये है और पाथ हमारा ये है, हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा भी इक्वल टू प्लस आई आर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि ये हमारा हायर पोटेंशियल है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल है। ये हमारा क्या है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। हम जा किधर रहे हैं, इसमें हायर से लोअर जा रहे हैं, डेल्टा भी नेगेटिव माइनस आई आर, इसमें लोअर। बेसिकली इसमें आपने देखा कि सेल और रेसिस्टर में क्या चीज़ आपने देखा, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है पोटेंशियल, गेन हो रहा है। तो आप एक चीज लिख लीजिए, सेल में अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाइएगा, सेल में अगर निगेटिव से लोअर से हायर, तो क्या होगा, पोटेंशियल डेल्टा भी पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसे लिखिए, मिटा दें इसको, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, इफ वी मूव इन सेल फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, डेल्टा भी पॉजिटिव होगा एंड इन रेसिस्टर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, डेल्टा भी पॉजिटिव होगा। मतलब मूव करेंगे निगेटिव से पॉजिटिव सेल में तो डेल्टा भी पॉजिटिव, अगर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट रेसिस्टर में मूव करेंगे तो डेल्टा भी पॉजिटिव। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। हमने आपको जो स्टेप्स बताया इसको फॉलो करके अब हम लोग सवाल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या सीखा। चलिए चलते हैं। चलिए इस स्टेप्स को फॉलो करके हम सवाल पे चलते हैं, और सबसे पहले एक सिंपल सवाल लेकर के हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इस चीज़ को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, चलिए एक सवाल लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सवाल के जरिए हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले इस टाइप का सवाल आप पहले भी कर चुके हैं, आपसे पूछा गया फाइंड आई, ये पूछा गया, आप कहिएगा सर यहाँ से ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ऑल 3 रेसिस्टर्स और ऑल 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज,
यानी कि 3 ओम आर इक्विवेलेंट की बात कीजिएगा तो ये हमारा 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम 9 ओम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। यहाँ से अगर आई निकालें हम तो क्या होगा, भी बाय आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। भी हमारा कितना है 9/9 यानी कि 1 एम्पियर आ गया। इसको हम बाय किरचॉफ्स लॉ भी कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे हम किरचॉफ्स लॉ को इसमें यूज करेंगे। सिंपल सा सवाल के जरिए किरचॉफ्स लॉ में पहला स्टेप क्या था, हम करंट को ड्रॉ करते थे, हमने करंट को ड्रॉ कर दिया, इस सेल से करंट निकाला, आई यहां पर आया, आई करंट यहां पर, आई करंट यहां से, आई करंट और फाइनली यहां पर आई करंट आ गया। उसके बाद आपको मैंने बताया नेक्स्ट स्टेप की करंट चूज करने के बाद आप लूप चूज कर लीजिए। लूप हमने ले लिया ABCDA और हमने डिसाइड किया कि हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, सॉरी क्लॉकवाइज जाना, ये हमने क्लॉकवाइज डिसाइड कर लिया कि हमें क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दैट मींस ऐसे जा रहे हैं, ये हमारा क्या है बैटरी, ये हमारा लोअर पोटेंशियल है हायर पोटेंशियल है। हमने आपको बताया कि सेल में जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, हमारा पाथ तो ये है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि पाथ हमारा ये है और करंट का डायरेक्शन भी ये। आपको मैंने बताया कि सेल में क्या देखना है, हम कहाँ जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, डेल्टा भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हम 9 वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, के सी एल के थ्रू हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब किरचॉफ्स के सेकंड लॉ पे आना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के वी एल, तो उसमें क्या करना है, हमें समेशन डेल्टा भी को जीरो करना है, यही करना है ना, तो समेशन डेल्टा भी को जीरो करना है। दैट मींस क्या करना है, यहां पर आप देख रहे हैं कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना है, तो पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल का गेन कर रहे हैं। आगे चलते हैं, रेसिस्टर्स में आपको बताया कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां पर देखिए लूप भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा। आपको मैंने बताया कि रेसिस्टर्स में अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, डेल्टा भी नेगेटिव होगा, तो यानी कि इससे करंट का फ्लो हो रहा है -3 I, I करंट का फ्लो हो रहा है। यहां पे वोल्टेज निकालने के लिए क्या कीजिएगा, भी इक्वल टू आर आई कीजिएगा, आर हमारा 3 है, आई हो गया। अब यहां से आगे आइए, करंट का डायरेक्शन है और हम जा किधर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में भी हमारा पाथ है ABCDA है, इसी पाथ पे हैं हम लोग है। तो फिर से रेसिस्टर्स करंट के डायरेक्शन में है तो 3 I, एक बार फिर से आइए DA की तरफ आ रहे हैं, -3 I = 0, यहां से 9 V = क्या आ जाएगा, 3 × 9 9 I, 9 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से I = क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा, आ जाएगा I = 1 एम्पियर आ जाएगा। चलिए अब हम इसको लूप हम दूसरा भी चूज करके दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि हमने लूप ये चूज कर लिया, कोई बच्चा कहेगा लूप हम ये चूज करेंगे, लूप हमने चुना DCBAD, ठीक है, करंट का डायरेक्शन तो ये है, लूप हमने ये चुना। अब हम इस तरह से सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं,
समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो रूल को इम्प्लीमेंट करना सीखिए। अब देखिए करंट का डायरेक्शन, यहाँ से हम चले डीसी के बीच में, देखिए ये रेसिस्टर्स है, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, डीसी भी है, यानी कि क्या हो जाएगा, आपको बताया कि रेसिस्टर्स के करंट रेसिस्टर्स में अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस 3i हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आइए, करंट उधर हम आ रहे हैं, इधर प्लस 3i हो जाएगा, यहाँ पर आप आ जाइए, करंट ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको क्या, आप यहाँ पर देखिए किधर आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, बैटरी में क्या देखना है, इस बार क्या आ रहा है, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, डेल्टा भी निगेटिव -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, जा रहे हैं इधर की तरफ, करंट आ रहा है इधर की तरफ, यानी कि प्लस 3i इज इक्वल टू जीरो। आपने देखा, आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। अब यहाँ से आ जाएगा 9i इज इक्वल टू 9, दिस एंड दिस कैंसिल, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। देखिए यहाँ से आपने इसको ला लिया, ये एक सिंपल सवाल को आपको सॉल्व करके आपको दिखाया रूल को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे एक और सवाल लेते हैं, चलिए एक सवाल हम लोग और लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये हमने इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया, ये हमने 12 ओम ले लिया, ये हमने 6 ओम ले लिया, इसको हमने 18 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, अब यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा कि सर ये पैरेलल में, हम क्या करेंगे, 12 × 6 × 12 + 6 आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपसे पूछा गया है, फिर से फाइंड आई पूछे यहाँ से, तो क्या कीजिएगा, आर इक्विवेलेंट आप निकालेगा 72 × 18 = 72, आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 4 ओम का। अब यहाँ से आप आई निकालिएगा तो भी आर इक्विवेलेंट, यानी कि 36/4 यानी कि 9 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो हुआ। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसे किरचॉप्स लॉ से भी सॉल्व कर पाते हैं। चलिए चलते हैं इसकी तरफ, मिटा दें इसको। अब आपको पता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यहां पर करंट आएगा और ये करंट बढ़ जाएगा I1 और I2 में, यहाँ से करंट घूमता हुआ है, यहाँ पे I1 आ जाएगा, यहाँ से I1 फिर से यहाँ पे इधर की तरफ क्या आ जाएगा, I चलाएगा। अब इसके अंदर हम लूप लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग सक्सेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। चलते हैं, सबसे पहले लूप हम चुनते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए यहां पे ऐसा नहीं है कि हम चलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी घूम करके फिर इस तरह से आएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमने आपको बताया कि इस बार जो लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे यहां से हम चलें ए बी
सी डी एफ ए, फर्स्ट लूप हमने चुना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, उसके बाद यहां से हम कह सकते हैं जी ए, ए बी सी डी जी ए, ए बी सी डी जी ए, वहीं पे आ गए। अब देखिए यहां से हम चलते हैं इस डायरेक्शन में चले, ठीक है, हम जा रहे हैं और करंट भी इस डायरेक्शन में, तो यहां पे आप आइए तो यहां पर क्या आ जाएगा ए बी सी डी जी ए में लूप में जब लगाइएगा तो ये आ जाएगा 12 I1। रेसिस्टर्स में हम जिधर जा रहे हैं करंट I1 और हम जा भी रहे हैं उधर तो नेगेटिव होगा। आगे की तरफ चलें, यहां पर आइए, इसमें आप देखिए जा किधर रहे हैं, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो क्या होगा, प्लस होगा 36 इज इक्वल टू 0, माइनस 12 I1 इक्वल टू माइनस 36, यहां से I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर आ गया। सिमिलरली आप सेकेंड लूप में चलिए, सेकेंड लूप हम ले सकते हैं ए बी एफ ई जी ए, इसमें चलते हैं तो इसमें चलिएगा तो फिर से हम वही डायरेक्शन ले लेते हैं, यानी कि हो जाएगा -6 I2 प्लस, इधर की तरफ आ रहे हैं लूप भी मतलब लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 36 इज इक्वल टू 0, यानी कि -6 I2 इज इक्वल टू 36, -36, दिस एंड दिस कैंसिल, यानी कि I2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। आपको पता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 एम्पियर हो जाएगा। चलिए इसको नोट ऑन कर लीजिए, आपको मैंने दिखाया किस तरह से हम किरचॉप्स लॉ को यूज कर सकते हैं। चलिए मिटा दें, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चलिए एक सवाल लेते हैं, इसमें भी हम लोग किरचॉप्स लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। अब एक से ज्यादा सेल होंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है,
ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम। आपसे पूछा गया है फाइंड आई, ठीक है। कोई दिक्कत? आपको किसी भी रेसिस्टर से पूछ सकता है करंट निकालना, ठीक है। आई पूछ सकता है 2 ओम रेसिस्टर से, 4 ओम रेसिस्टर से, आप किसी से भी पूछ सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। सपोज करते हैं यहाँ से आई करंट निकला, ठीक है। आई करंट निकला, इसको यहाँ पे आई करंट आया, यहाँ पे आई करंट, यहाँ से आई करंट इस तरह से यहाँ पर, फिर आई करंट चला गया। हमको तो करंट का पता चल गया। अब आप इधर से भी करंट निकाल सकते थे, उधर से भी निकाल सकते थे, या आप पे लेकिन इजी होगा कि हमने एक करंट निकाला और सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम एक लूप चूज कर लेते हैं। हमने लूप ये चूज कर लिया सपोज कीजिए, और पाथ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। लूप जो चुना हम लोगों ने ए बी सी डी ए, लूप हमारा क्या है, लूप हमारा है ए बी सी डी ए। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक। बात यहाँ तक हो गई। अब हम यहाँ से चलते हैं, लूप में चलें तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो आपको बताए थे कि सेल में क्या होता है, लोअर से हायर पोटेंशियल का गेन होता है, तो प्लस 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, यहाँ पर देखिए रेसिस्टर्स में करंट इधर की तरफ आ रहा है, हम जा रहे हैं उधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। रेसिस्टर्स में आपको बताया करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो करंट कितना है आई, तो प्लस 2 इंटू आई, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, सेम जा रहे हैं उधर की तरफ, करंट आ रहा है इधर की तरफ 2 इंटू आई। अब देखिए आगे की तरफ आइए, करंट ऊपर की तरफ, हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, यानी कि 4i प्लस। अब यहां पर आ जाइए, हम आ रहे हैं नीचे की तरफ, सी डी ए बी सी डी ए नीचे की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -20। अब इधर की तरफ आइए डी ए, अपोजिट डायरेक्शन में, +2i इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8 × 2 = 10, 10i -20 + 10 कितना हो जाएगा, -10 = 0, 10i = 10, i = 1 एम्पियर, कोई दिक्कत। चलिए मिटाना इसको, इस तरह से सवाल सॉल्व कर पाए। आपको इजी इजी सर्किट मिल सकते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है, सॉल्व करने के लिए बोर्ड में, मिटा दें। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा अलजेब्रा सॉल्व करना पड़ सकता है, इक्वेशन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। फिजिक्स आप सही से लगाइएगा, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, और उसके बाद सवाल आपको इजी पड़ जाएंगे। थोड़ा सा आपको अलजेब्रा सॉल्व करना पड़ेगा, जितने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे
वेरिएबल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि हमेशा कम से कम वेरिएबल रखें तो ज़्यादा बेटर होगा अपने लिए। चलिए यहां पर ये हमारा 15 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है। यहां पर रेसिस्टर्स की बात करें तो ये 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, ये 5 ओम है, सॉरी यही है 5 ओम 15 10 15। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आपसे पूछा है फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, इस तरह से आपको निकालना है। चलिए चलते हैं इस सवाल पे चलते हैं। आपको यहाँ पर देखिए दो सेल्स दिख रहे हैं और दो लूप्स भी आपको दिख रहे हैं। हम लोग लूप बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, कोई दिक्कत? पहला स्टेप आपका क्या है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको, करंट निकालना। हम लोग करंट निकालते हैं, यहां से हमने करंट निकाला, हम दोनों सेल से भी निकाल सकते हैं लेकिन हम सबसे पहले एक सिंगल सेल से निकाल करके देखते हैं। यहां से हमने आई करंट निकाला, यहां तक हम लोगों का आई करंट आया, यहां पर आई करंट आया। अब यहां पर आने के बाद क्योंकि यहां पर जंक्शन है, क्यों जंक्शन है? क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा रेसिस्टर्स यहां पर जुड़े हुए हैं। यहां पे जंक्शन नहीं है, 2 है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां और यहां जंक्शन है, कोई दिक्कत? अब यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सपोज कीजिए यहां पर करंट I1 गया और यहां पर करंट I2 गया। अब ये यहां से I1 करंट आएगा और यहां से होते हुए I1 आएगा और यहां पर I2 करंट, फिर से ये दोनों मिल करके I करंट हो जाएंगे और यहां पहुंच जाएगा। आपने करंट देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम आपको दोनों मेथड से सवाल बता देंगे, इजी होगा। अब आप डायरेक्शन या तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जैसे पिक करना आप पिक कर लीजिए और उसके बाद आप सवाल को सॉल्व कर सकते। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन, हम लोग ये पिक कर लेते हैं। आपका मन होगा कि नहीं सर हम ये पिक करेंगे तो आपको उसके अनुसार से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इसमें ऐसा पिक कर लिए क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज पिक करना जरूरी है, एंटी क्लॉकवाइज करके भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने जो डायरेक्शन पिक किया है उसके अनुसार से सवाल को सॉल्व करना है, उसके अनुसार से आपको सेल और रेसिस्टर्स में पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है उसको देखना है। तो हम ये डायरेक्शन पिक किया, सबसे पहले लूप 1 में चलते हैं। आप लिख देते हैं, लूप भी लिख देते हैं हम लोग, क्या है ए बी एफ ई ए, यही है ना, एफ ए बी एफ ई ए। चलिए हम लोग चले हैं ए बी की तरफ, लूप आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले यहां पर बात करें तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए 15 वोल्ट, यहाँ पर देखिए हम लोग जा रहे हैं लोअर से हायर की तरफ, तो प्लस 15। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आपने आया, जिस तरफ हम जा रहे हैं बी एफ की तरफ, करंट भी देखिए उसी तरफ जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 5 I हो जाएगा क्योंकि I करंट है यहाँ। अब आगे चलते हैं,
यहाँ पर आप आइए, हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, करंट भी नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर भी होगा माइनस फाइव, लेकिन करंट इस रेजिस्टर्स में क्या है, आई टू करंट है, तो माइनस फाइव आई टू, आपको करंट भी देखना है कौन सा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आइए, हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा, यानी कि माइनस टेन। अब हमने ये लूप लिया है तो इधर की तरफ आना है, यहाँ पे कोई रेसिस्टर्स नहीं है, यहाँ पर कोई सेल नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आ गए, इज इक्वल टू जीरो, यही ना करना है, समेशन डेल्टा भी जीरो करना है, के भी एल करना है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस फाइव आई, माइनस फाइव आई टू, पंद्रह में से दस जाएगा, कितना बचेगा, पाँच बचेगा, इज इक्वल टू जीरो, पाँच अगर कॉमन ले लें माइनस पाँच, तो आप कह सकते हैं आई प्लस आई टू, आई प्लस आई टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, आई प्लस आई टू इज इक्वल टू माइनस वन। इसको इक्वेशन कैलकुलेशन देखिए मिस्टेक हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से, पंद्रह में से दस गया पाँच, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर गए हैं ऑलरेडी, पंद्रह में से दस जाएगा पाँच होगा, और ये पाँच प्लस में होगा, और ये पाँच प्लस में होगा तो माइनस पाँच यहाँ पर, तब ये माइनस हो जाएगा, माइनस पाँच को कॉमन लिए, माइनस पाँच कॉमन लिए तो यहाँ आई आ गया, यहाँ प्लस आई टू आ गया, यहाँ पर तब माइनस हो जाएगा, ये आकर के प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा बोले नलजबड़ा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट लूप, सेकंड लूप लेते हैं, सेकंड लूप में भी चलिए हमने ये डायरेक्शन पिक कर लिया, चलिए इस बार हम लोग ये डायरेक्शन पिक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, लूप इस बार हमने पिक किया डी सी एफ ई डी, कोई दिक्कत। अब यहां पर आइए, यहां पर बैटरी में क्या जा रहा है, हायर से लोअर, सॉरी लोअर से हायर जा रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉ गेन होगा 15। यहां पर आइए सी एफ की तरफ आ रहे हैं और करंट उधर की तरफ जा रहा है प्लस फाइव, कौन सा करंट जा रहा है, आई वन करंट जा रहा है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए हम आ रहे हैं एफ ई की तरफ और करंट का फ्लो भी उधर ही हो रहा है, क्या करंट का फ्लो भी उधर ही हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस फाइव आई टू हो जाएगा। अब हम लोग का ये आ रहे हैं इधर की तरफ, यानी कि हायर से लोअर माइनस टेन, अब उधर तो कोई कुछ है नहीं, इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से फाइव आई वन माइनस फाइव आई टू, पंद्रह में से दस जाएगा पाँच इज इक्वल टू जीरो, पाँच फिर से कॉमन ले लीजिए, I1 माइनस आई टू इज इक्वल टू माइनस वन, यही होगा ना। इक्वेशन सेकंड सॉल्व कर लीजिए, इस दोनों को अगर आप देखिए I प्लस आई टू इज इक्वल टू वन और I1 माइनस आई टू इज इक्वल टू माइनस वन। अब I क्या है आपको पता होना चाहिए, I है I1 प्लस I2, इसी दोनों करंट को बांटे हैं, तो I का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, आपको पता है ना I क्या है, I1 प्लस I2 है, I का वैल्यू अगर यहाँ पर हम रख दें तो हम हो जाएगा I1 प्लस I2 रखेंगे 2I2 हो जाएगा, होगा ना। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो ये दोनों, सॉरी, इसमें आप क्या कीजिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें वन से कर दीजिए और जोड़ दीजिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा वन आई वन प्लस टू आई वन, थ्री आई वन इज इक्वल टू वन,
माइनस टू कितना हो जाएगा, वन माइनस टू दोनों को जोड़िएगा तो माइनस वन हो जाएगा। आई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, आई वन हमारा कितना आया माइनस वन बाय थ्री, एक बार देख लीजिएगा माइनस प्लस, ठीक है ये दोनों तो कट गया यानी कि इस दोनों को जोड़े हैं थ्री आई वन, यहाँ पर आ गया वन माइनस टू, पंद्रह में से दस गया पाँच, पाँच इधर आ गया माइनस वन हो गया आई वन माइनस आई टू, फाइव आई वन माइनस आई टू, ठीक है ये हो जाएगा आई वन माइनस थ्री हो गया, माइनस वन बाय थ्री आ गया। अब आई वन की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में रख देते हैं आई वन की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा माइनस आई टू इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस आई थ्री, वन माइनस आई वन की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन प्लस वन बाय थ्री, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन बाय थ्री यानी कि माइनस टू बाय थ्री, दिस एंड दिस कैंसिल यानी कि आई टू हो जाएगा टू बाय थ्री, आई टू हो जाएगा टू बाय थ्री मतलब इस रेसिस्टर से जो करंट का फ्लो होगा टू बाय थ्री एम्पियर होगा। आई वन आई करंट के आई करंट निकाले का आई प्लस आई टू कर दीजिएगा तो टू बाय थ्री और माइनस वन बाय थ्री कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा वन बाय थ्री करंट का फ्लो। और अब आई टू की वैल्यू कितना है, आई टू किस रेसिस्टर से फ्लो कर रहा है, आई टू तो हो गया आई वन, आई वन इससे हो रहा है, आई वन कितना है माइनस वन बाय थ्री मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है ये डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा, तो आई वन वन बाय थ्री आया इसका माइनस वन बाय थ्री तो आई टू कितना हो गया टू बाय थ्री हो गया, कोई दिक्कत, इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन आप लोग चेक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। चलिए ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, चलिए लेकिन कॉन्सेप्ट इसी को फॉलो करना है, इसी से सवाल बनेगा। चलिए इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप दोनों तो डिफरेंट करंट को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा, होमवर्क में आपका रहा ये। अब आगे चलते हैं बोर्ड में जो एक टॉपिक है जो कि पिछले क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ाया गया था, व्हीटस्टोन ब्रिज। दरअसल व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक जो बोर्ड में टॉपिक्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन है किरचॉफ्स लॉ का, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। अब आपको जो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रूफ कीजिए। तो पिछले वीडियो लेक्चर जो आप लोग देख करके आएंगे उसमें आपको बताया गया था कि मिड रेसिस्टर से नो करंट फ्लो इन मिड रेसिस्टर्स, और दूसरी बात मिड रेसिस्टर्स
मिड सिस्टर लाइज बिटवीन सेम पोटेंशियल। तब आपको बताया गया था व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं, देन आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर। आज हम इस चीज को विद द हेल्प ऑफ किरचॉप्स लॉ प्रूफ करेंगे, जो कि आपको आ सकता है। चलिए मिटा दें इसको। ये चीज हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और प्रूफ भी बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ किया था। एक बार फिर से चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर और उस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलें। यहाँ पे आप मिड रेसिस्टर्स भी लगा सकते हैं या फिर आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ठीक है। यहाँ पे आर फाइव भी लगा सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। अगर आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, सपोज कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है, तो यहाँ पर IG इक्वल टू जीरो होगा। मिड रेसिस्टर्स में करंट क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। या तो ये लगा सकते हैं। तो मिड रेसिस्टर्स में करंट जीरो होगा। अब यहाँ से मान लिया जाए ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। यही था व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें आपको बताया गया था कि ये अगर XY है तो इस दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है, और ये सेम पोटेंशियल के बीच में लाई करता। अब यहां पर आप यहां से अगर करंट आई गया तो ये करंट आई वन होगा, इस करंट को आई टू ले लीजिए, यहां से करंट आई थ्री और यहां से करंट आई फोर, यहां से करंट आई थ्री, यहां से करंट आई फोर, और ये करंट इस रेसिस्टर में जो आया वो आई जी आया। बेसिकली आई जी क्या है? जीरो है। अब हम यहाँ पर इस दोनों में लूप लॉ लगा सकते हैं। लूप लॉ लगाइए तो इसमें क्या होगा? ये हमने डायरेक्शन ले लिया, आप सोच सकते हैं ए बी, एक डायरेक्शन लिए ए एक्स वाई ए, लूप आपने चुना ए एक्स वाई ए। इस लूप में आप आइए तो क्या होगा? करंट का डायरेक्शन लूप चुन सकते हैं ना। हमने प्रूफ आपको करना है तो बाय किरचॉप्स लॉ आप कह सकते हैं बाय किरचॉप्स लॉ, ठीक है। लूप आपने चुना ए एक्स वाई ए, ये चुना यहाँ पर लूप ये चुना, तो आपने इसमें देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रेसिस्टर्स है, माइनस आई वन आर वन हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप आइए नीचे की तरफ ही हम आ रहे हैं, ये हो जाएगा रेसिस्टर्स है और करंट का डायरेक्शन भी उधर की तरफ ही है, तो माइनस आई जी हो जाएगा, ठीक है। उस रेसिस्टर्स की बात करेंगे तो आई जी करंट का फ्लो हो रहा है इसमें, हालांकि कुछ भी हो इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो प्लस जीरो लिख देते हैं, वैल्यू जीरो होगी।
अब इधर की तरफ आइए तो इसमें आप हम आ रहे हैं इधर की तरफ और ये तो प्लस हो जाएगा आई टू आर टू। ठीक है गैल्वेनोमीटर, अब आपको पता है इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, यहां से हम लिख सकते हैं माइनस आई वन आर वन इज इक्वल टू माइनस आई टू आर टू, दिस एंड दिस कैंसिल, आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू आर टू बाय आर वन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगेन लूप हमने चुना, इसमें भी लूप यही चुन लेते हैं, ठीक है y x b y, ये लूप हमने चुना। इस लूप में देखिए y x b y, यानी कि ये इसमें देखिएगा तो आएगा आई थ्री माइनस में आई थ्री आर थ्री प्लस, इसमें जीरो होगा और इसमें देखिए तो क्या आएगा, लूप इधर की तरफ है और करंट का डायरेक्शन उधर की तरफ है, प्लस आई फोर आर फोर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हो जाएगा माइनस आई थ्री आर थ्री इज इक्वल टू माइनस आई फोर आर फोर, दिस एंड दिस कैंसिल, आई थ्री बाय आई फोर इज इक्वल टू आर फोर बाय आर थ्री। अब देखिए यहाँ पर ये रिलेशंस दो आए, अब आप यहाँ पर आइए, सिंस क्योंकि आपको पता है आई वन इज इक्वल टू आई थ्री और आई टू इज इक्वल टू आई फोर, आई टू इज इक्वल टू आई फोर, तो यानी कि ये दोनों रेशियो तो सेम हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं देन हम कह सकते हैं, मिटा दें इसको, इसको लिख लीजिए, तो देन हम कह सकते हैं कि देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू आर फोर अपॉन आर थ्री, इसलिए हम कह सकते हैं आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर, यही तो कॉन्सेप्ट था व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, किस कौन सा कंडीशन है कि यहाँ से इस मिड रेसिस्टर्स में कोई करंट का फ्लो ना करे और ये दोनों सेम पोटेंशियल में लाए करे, और ये करंट जो है इसके इक्वल और ये करंट इसके इक्वल, ये तो पता है। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ किरचॉप्स लॉ आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आपने सवाल और प्रैक्टिस कीजिएगा किरचॉप्स लॉ से रिलेटेड, कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और बोर्ड के कॉन्सेप्ट के आधार पर जो चीज़ें था हम लोगों ने बताया, आप लोग बुक पढ़िएगा, कुछ और सवाल आप ट्राई कीजिएगा। तो ये चीज़ें थी किरचॉप्स लॉ से रिलेटेड, जो भी कॉन्सेप्ट था जो भी चीज़ें थी मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और ये जो आपको मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज को दो तरह से प्रूफ किया, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ और दूसरा विद द हेल्प ऑफ किरचॉप्स लॉ, दरअसल व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एप्लीकेशन है किरचॉप्स लॉ का ही, तो आज मैंने इसको प्रूफ किया, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।